नमस्कार दोस्तों, मैं केशव खेरा और ये हफ्ते का वही दिन है जब मैं आपको देश और दुनिया की टेक्नोलॉजी न्यूज़ से रूबरू कराता हूँ। यानी मैं आपको हर फ्राइडे को टेक दिस वीक एपिसोड दिखाता हूँ, जिसमें मैं आपको जो भी लॉन्चेस होने वाले हैं या फिर इस हफ्ते लॉन्चेस हो चुके हैं उनके बारे में पूरी खबर देता हूँ। तो चलिए देखते हैं क्या हुआ खास इस हफ्ते टेक्नोलॉजी की दुनिया में और अगले हफ्ते क्या नया होने वाला है। हालांकि अब अगले हफ्ते कई धमाकेदार न्यूज़ आने वाली है, लेकिन मैं आपको उससे अलग एक ऐसी इन्फॉर्मेशन देता हूं जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। जी हां, हम सभी जानते हैं कि अब फ्लैगशिप किलर फ़ोन्स काफ़ी ट्रेंड हो चुके हैं मार्केट में। वन प्लस 7 प्रो है, रेडमी K20 प्रो है और ओप्पो रेनो भी मार्केट में मिल जाता है। लेकिन आपको बता दूं कि ओप्पो अब रेनो 2 भी लेके आने वाली है, जिसमें आपको 20x का जूम मिलेगा। कंपनी 28 अगस्त को इस फ़ोन को भारतीय बाज़ार में लॉन्च करेगी। यहाँ पर नोट करने वाली बात है कि ये फ़ोन सबसे पहले भारत में ही लॉन्च किया जाएगा, उसके बाद दूसरे देशों में जाएगा और कंपनी ने इसके लिए मीडिया इनवाइट भी जारी कर दिया है। Xiaomi के नए स्मार्टफोन Redmi Note 8 को लेकर पिछले काफ़ी लंबे समय से चर्चा हो रही है। हाल ही में खबर आई थी कि इस फ़ोन में आपको 64 मेगापिक्सल का रियर कैमरा दिया जाएगा और आपको बता दूं कि अब एक और खबर आ चुकी है कि इस फ़ोन में आपको 18 वॉट का रैपिड फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी मुहैया करवाई जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि फ़ोन को लेकर धीरे धीरे खबरें सामने आ रही हैं और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द ये फ़ोन अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में उतार दिया जाएगा और उसके बाद इंडिया में भी देखने को मिल जाएगा। Realme 5 और 5 Pro को लेकर अब तक आप सबको जान ही चुके होंगे कि 20 अगस्त को ये फ़ोन भारतीय बाज़ार में लॉन्च किया जा रहा है और इसमें आपको काफ़ी बेहतरीन स्पेसिफिकेशन मिलने वाले हैं, जैसे कि क्वाड कैमराज, बेटर प्रोसेसर और साथ ही साथ कंपनी ने ये भी रिवील कर दिया है कि इनमें से एक फ़ोन में आपको 5000 mAh की बैटरी मिल जाएगी। तो अब लॉन्च के समय देखते हैं कि फ़ोन कैसे होंगे और किस प्राइस रेंज में कंपनी इनको लॉन्च करेगी। आप सभी को याद होगा कि HTC ने भारतीय बाज़ार से खुद को बाय बाय कर दिया था और कंपनी ने इंडिया में कोई भी फ़ोन लॉन्च नहीं किया था, पर अब अचानक से HTC एक नया स्मार्टफोन भारतीय बाज़ार में लेकर आ चुकी है जिसका नाम है Wildfire X। जी हाँ, अगर आप प्राइस रेंज देखेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा स्मार्टफोन तो आप नहीं कह पाएंगे, लेकिन एटलीस्ट कंपनी ने शुरुआत कर दी है और प्राइसिंग को कंट्रोल रखने की कोशिश की है। हो सकता है कि फ्यूचर में आपको HTC के और भी अच्छे स्मार्टफोन्स देखने को मिल जाए। आपको बता दूं कि इसकी शुरुआती कीमत है 9999 रुपये। इस फ़ोन में आपको मिलता है 6.22 इंच का HD+ रेजोल्यूशन डिस्प्ले, 3GB RAM साथ 32GB की स्टोरेज और एक और वेरियंट है जिसमें आपको मिलता है 4GB RAM साथ 128GB की इंटरनल स्टोरेज। साथ ही साथ इसमें है 12+8+5 MP के ट्रिपल रेयर कैमरा, 8 MP का फ्रंट कैमरा, 3300 mAh की बैटरी जिसमें आपको 10W की फास्ट चार्जिंग मिल जाती है। तो फाइनली Xiaomi Mi A3 इंडिया में 21 अगस्त को पेश किया जा रहा है, कंफर्म हो चुका है। Xiaomi लवर्स जो कि इस फ़ोन का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे वो इस फ़ोन को फाइनली ख़रीद पाएंगे। इस फ़ोन की खास बात है कि Android 1 की इंटीग्रेशन के साथ आता है, यानी एकदम प्योर स्टॉक Android आपको मिल जाता है और हाँ, 2 साल तक इसमें आपको फॉर श्योर गारंटेड एंड्रॉयड के अपडेट्स मिलते रहेंगे, चाहे OS के मामले में हो या सिक्योरिटी के मामले में। आपको पता होगा कि Xiaomi Mi A3 वही स्मार्टफोन है जो कि चाइना में CC9E के नाम से लॉन्च किया गया था। हो सकता है कि इंडिया में कंपनी कुछ स्पेक्स बदल दे थोड़े बहुत, पर स्पेन में अगर देखेंगे तो सेम स्पेक्स के साथ Mi A3 के नाम पर Xiaomi CC9E को पेश किया गया था। तो आपको बता दूं कि इसमें आपको मिलता है Qualcomm Snapdragon 665 चिपसेट, 48+8+2 MP का ट्रिपल रियर कैमरा और 32 MP का फ्रंट कैमरा। इस हफ्ते रिलायंस जियो ने अपनी सालाना AGM मीटिंग की जिसमें कंपनी ने काफ़ी अच्छी घोषणाएं की। हालांकि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कंपनी जियो फोन 3 लेके आएगी, पर कंपनी ने उससे ही बढ़कर कुछ इन्फॉर्मेशन दी। फाइनली कंपनी ने अनाउंस कर दिया है कि जियो गीगा फाइबर लॉन्च कर दिया जाएगा। सितंबर के महीने से इसकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगी और इसके जो प्लान्स हैं वो है 700 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक जाते हैं। आप किसी भी प्लान को चूज़ कर सकते हैं और 100 Mbps से लेकर 1 GB की इसकी स्पीड जाती है। साथ ही साथ यहाँ पर कंपनी ने एक और ऑफर भी अनाउंस किया जिसके अनुसार अगर आप जियो के इस सर्विस को सालाना तौर पर खरीद लेते हैं, यानी एनुअल पैकेज का खरीद लेते हैं, तो आपको कंपनी 4K TV भी मुफ्त में मुहैया करवा के देगी, जिसमें आपको सेट टॉप बॉक्स भी दिया जाएगा। हालांकि सेट टॉप बॉक्स के लिए आपको एक सिक्योरिटी डिपॉजिट सबमिट करना पड़ेगा, पर कंपनी ने उसके बारे में फिलहाल कुछ भी नहीं बताया है। OnePlus 7 और 7 Pro की अभी चर्चा खत्म नहीं हुई थी कि OnePlus 7T Pro की इन्फॉर्मेशन भी आनी शुरू हो गई। हाल ही में OnePlus 7T Pro की एक लीक इमेज सामने आई थी और अब एक प्रमुख टिप्स्टर ने अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए ट्वीट करके बताया है कि OnePlus 7T Pro 15 अक्टूबर को पेश किया जाएगा। अब ये इन्फॉर्मेशन कितनी करेक्ट है वो तो 15 अक्टूबर को ही पता चलेगा, पर आपको बता दूं कि ये जो टिप्स्टर है ये कई सारी इन्फॉर्मेशन दे चुका है जो कि काफ़ी सच भी होती हैं।
तो अब 15 अक्टूबर का वेट करते हैं और OnePlus 7T Pro में क्या खास होगा वो भी उसी दिन पता चलेगा। तो ये था इस हफ्ते का टेक्नोलॉजी ज्ञान। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप भी देश और दुनिया की टेक्नोलॉजी न्यूज़ से रूबरू हो गए होंगे, पर फिर भी अगर इन न्यूज़ को लेकर आपकी कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं उन्हें जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। और हमेशा की तरह अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।